राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में अनुसूचित जनजाति विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सूरजभान फार्म भर रहे हैं। वहीं 2008 से सपा पार्टी के टिकट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में अनुसूचित जनजाति विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से 2008 में पूर्व विधायक सूरजभान धान का उपखंड कार्यालय राजगढ़ फॉर्म भरने के लिए पहुंचे। वहीं लोगों का मानना है कि मीणा बहुल इलाके में विधायक सूरजभान धान का के जीतने के बाद 2008 में जो मीणा समाज का अन्य समाजों के बीच सामाजिक समरसता खराब हुई, उसे लोग अभी भूले नहीं है। वहीं लोगों का कहना है कि 2008 में सूरजभान धान का चुनाव जीतने के बाद बड़ी पार्टियों के नेताओं द्वारा क्षेत्र में किए गए आगजनी लूटपाट की घटनाओं को लोग अभी तक नहीं भूले हैं। लोगों का मानना है कि धान का फैक्टर क्षेत्र से करीब समाप्त हो चुका है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस बार सूरजभान धान का फिर से विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए फार्म भरा है। अब देखना यह है कि आखिर लोग उन्हें कितने प्रतिशत वोट देते हैं। देखिए हमारे यहाँ का सारे मतदाता, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के सारे मतदाता केवल क्षेत्रीय उम्मीदवार चाहते हैं ताकि हमारी जन समस्याओं का निराकरण हो सके। हमारे यहाँ नेताओं की कमी नहीं है, इसलिए क्षेत्रीय उम्मीदवार हो उसी को सारी जनता और राजगढ़ वासी उसी को चुनेंगे। ये मैं इस पर तो कुछ नहीं कहूंगा। मुझे ये लग रहा है कि जनता का मानस है अब स्थानीय उम्मीदवार, पहले बहुत देख लिया, स्थानीय उम्मीदवार हो क्षेत्रीय उम्मीदवार हो, क्षेत्रीय उम्मीदवार को जनता वोट कास्ट करेगी और अपने क्षेत्रीय उम्मीदवार को भारी बहुमत से। ये महसूस किया नारका जी बहुत बढ़िया वोटों से हार के जाएंगे, जमा बचना मुश्किल है, क्यों कि हमारा मीणाओं पर हमारा भाईचारा खत्म हो रहा है इससे, और ये पानसूर का रहने वाला है, यहाँ हमारी मीणाओं में दुकानदार का काम चलता है, मीणाओं से चलता है, हमारी दुकान मीणाओं से चलती है, हर जो हमारा चलता है भाईचारा है हमारा, जैसे गांव में भाईचारा है मीणाओं से, हम मीणाओं से आड़ जा रहे हैं, भाई भतीजा सारा हमारा वाद है वो खत्म होने को जा रहा है। इस वजह से हम धानका को अब गए हमारे यहाँ की जनता वोट नहीं देंगे। ये 80% लोग 500 के थे, 20% लोग यहाँ के थे जो गाड़ी वालों को कह दिया भाई तुझको 1000 रुपया दूंगा तो 10 आदमी बैठा कर लिया, अब उनको बोल तो 10 आदमी बैठा कर लिया आया। और आम चुनाव में ऐसा ही होता है, आम कैंडिडेट के पास वही आदमी जाते हैं जो एक के पास साथ जाते हैं जो सारे आदमियों। आपका मेरा तो मतलब ये है कि अपना जो स्थानीय उम्मीदवार है ना, जो अपने इलाका है राजगढ़ का या राजगढ़ तहसील का या राजगढ़ आसपास गांव का, तो ये बहनजी मीनाक्षी है जो मेरे पास मतलब आंगनवाड़ी गांव की मेरे पास गांव की है, तो हर आदमी कहते हैं हर आदमी को अपने को सपोर्ट करना चाहिए, तो हमको ये नहीं कोई ये मुझे पता नहीं है किन मुद्दों को लेकर चल रही है, बाकी समानता और समता का जो वो कर रहे हो ना तो उसके लिए मैं भी हूँ, क्योंकि जैसे सेक्शन तीन जैसे मुद्दे हैं ना जिसको झूठा एक तलवार के रूप में उपयोग में लेते हैं, तो उसमें CRPC 438 लागू नहीं है, तो उसके मैं भी विपरीत हूँ कि बेमतलब में जो सेक्शन तीन का मुकदमा नहीं लगाना चाहिए, और उसमें भी हाईकोर्ट ने संशोधन कर दिया है, माननीय प्रशांत कुमार जी अग्रवाल ने 439 के आदेश किए और मैं एक दो बिल मैं भी करवा के लाया हूँ हाईकोर्ट से। तो कहने का मतलब ये है जो जिस मुद्दे पे लड़नी है समानता के पे उसका मैं फुल समर्थक हूँ, सबको बराबर उसके आधार पर रहना चाहिए और भारत इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मेरे कारण मूल ये रहा कि जनता ने उस टाइम एंटी मीणा वोट किया था, लेकिन विधायक बढ़ के सूरजभान धानका ने केवल उसी समाज को वो किया और आपस की जो है सामाजिक समरसता थी वो खत्म होगी, इसलिए हमारा मत स्थानीय कोई भी हो उसको ही जाएगा, सूरजभान धानका से आपस का भाईचारा खत्म हो गया। मेरा आइडिया तो ये है कि जमानत नहीं बचा पाएंगे धानका जी,
सामाजिक समानता खत्म हो गई, इनके आने से आपस का भाईचारा खत्म हो गया, इनके घर ये बनाते रहे हैं और इन्होंने वही अधिकारी रखे जनता ने, जबकि एंटी उस टाइम एंटी मीणा वोट किया था और इन्होंने जो है उन्हीं को पूरे 5 साल उन्हीं उनको जो है आपको तो जनता का रुझान यही है कि मेरे ख्याल में तो धारका को बड़ी वोट नहीं है जाएगा, जमानत बचा ले ये अपनी, ये गनीमत है। बाकी इनके आने से आपस का भाईचारा खत्म हो गया, इन्होंने जिनके साथ में घटनाएं हुई उनके जाके जनता भी पूछे उनके पास जाके इन्होंने कितनी मल्लम लगाई, कितना उनको जो है वो किया, आपस का भाईचारा खत्म हो गया और उन लोगों के दुख दर्द में काम ही नहीं आई। ये है मेरा मूल, वो आपस का भाईचारा खत्म नहीं करना, हमको जिसको भी वोट देना है अपने राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के लोगों को।